हेलो फ्रेंड्स, टेक यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे आप अपने फ़ोन में डाटा ऑन कर लेते हैं 5G का, लेकिन आपका जो था इंटरनेट नहीं चलता, आपका डाटा स्पीड नहीं देता, आपका नेट नहीं चलता 5G का, और आपका फ़ोन 5G है, इस तरह फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल आसान तरीके से फिक्स कर सकेंगे। इसके लिए फ्रेंड इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसे देखते फ्रेंड हम अपना जो था 5G डाटा ऑन कर चुके हैं और हमारा यहाँ से डाटा ऑन है, और फिर आपका भी डाटा ऑन हो जाता है। और आपका डाटा ऑन होने पर जैसे कुछ भी चलाते हैं, जैसे देखते हैं हम यूट्यूब ओपन कर दिए तो हमारा यूट्यूब चल रहा है, और फिर आपका जो था यूट्यूब नहीं चलता है। हम मैंने पहले ही फिक्स कर चुका हूँ, आप भी अब आसानी से फिक्स कर सकेंगे, और जो भी कुछ चलाएंगे तो आपका स्पीड भी देने लगेगा और इंटरनेट भी चलेगा। जैसे देखते हैं हम अपना जो था क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, और जैसे क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ जैसे सर्च करेंगे गूगल, तुरंत हमारा डायरेक्ट आ जा रहा है, खुल जा रहा है। इस तरह से फिर आपका नहीं खोल पा रहा है, ना ही आपका ओपन हो रहा है, और ना ही आपका उस सफरिंग कर रहा है, सर्च कर पा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, आप अपने फ़ोन के जो है 5G फ़ोन है और अपने फ़ोन का 2 सेटिंग अप्लाई कर लेंगे, तो 100% आपका भी अपना फ़ोन का नेट चलाए, फ़ोन का स्पीड डाटा नहीं दे रहा है आपका फ़ोन, तो 2 सेटिंग अप्लाई करने के बाद सही कर सकेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएगा, जैसे फिर अपने मोबाइल के सेटिंग में आएंगे तो यहाँ से आपको शो कर देगा, जो देख सकते हैं ऑप्शन में शो करेगा कनेक्टिविटी एंड ऑप्शन है, तो इस पर जब क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो फिर यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका शो कर देगा। जैसे फिर होता है क्या कि जैसे आप यहाँ से अपने मोबाइल के रिसेट वाईफाई मॉडरेटर का ऑप्शन है, तो यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपका यहाँ से एयरटेल के सिम्स यूज कर रहे हैं या जियो होगा, और आपका 5G नेटवर्क आ रहा है लेकिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, स्पीड नहीं दे रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं रिसेट सेटिंग का ऑप्शन है। जैसे रिसेट सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन बंद होगा, उसके पास फिर से चालू हो जाएगा। जैसे रिसेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके जो था फ़ोन का जो था लॉक जो रहता है यहाँ से रिसेट हो जाएगा। रिसेट होने के बाद जैसे आपके फ़ोन का डाटा लॉस भी नहीं होगा, और अपने मोबाइल का स्क्रीन जो रहता है लॉक रहता है, उसको जब इंटर करेंगे तो तुरंत आपका जो था यहाँ से मोबाइल का जो था नेटवर्क हट जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, और आपका फ़ोन का डाटा लॉस नहीं होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। और यहाँ से आपको देख लेना है कि जैसे आपको डाटा यूजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है कितना यूज हुआ है, जैसे देखते हैं हमारा हॉटस्पॉट से 696 MB है, और जितने भी हम यूज किए हैं यहाँ से शो कर रहा है, और जो भी यूज करते हैं यहाँ से पूरा डिटेल में शो कर दिया। और यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद बैक हो जाना है। बैक होने पर बाय द वे इस तरह से आपका रिसेट का ऑप्शन नहीं आता, तो ऊपर में जब सर्च करेंगे रिसेट, जैसे देखते हैं जैसे रिसेट करेंगे तो हमारा तुरंत ऊपर में आ जाएगा। जैसे इस तरह से आ जाता है तो यहाँ से आपको इस पर कर लेना है। करने के बाद फिर आप अपने मोबाइल की जो था मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि जैसे सिम वन में डाटा है कि सिम टू में, जैसे फिर हमारा सिम वन में तभी भी नहीं चल रहा है, तो सिम वन को आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सिम वन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप का ऑप्शन के ऊपर में देख सकते हैं APN का ऑप्शन है, जो एक्सेस पॉइंट नेम का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रिसेट करने का ऑप्शन आता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो था APN पुराना वर्जन रहता है, नया वर्जन हो जाएगा, और यहाँ से प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप में आपका 5G रहता है तो इसको 4G कर लेना है, फिर से इसको 5G कर लेना है। 5G करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। जैसे ही बैक होंगे आप अपने मोबाइल के पावर बटन को दबाइएगा, और जैसे पावर बटन को दबाएंगे तो यहाँ से आपको देख सकते हैं रिबूट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे फिर आपके फ़ोन में जो होता है क्या कि आपके फ़ोन में रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आता है, जैसे हमारे देख सकते हैं रिबूट करने का ऑप्शन आएगा, तो रिबूट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, उसके पास फिर से ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद फिर से आप अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ कर दीजिएगा, फिर से ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद फिर से आप जो भी कुछ चलाएंगे तो आपका चलने लगेगा। जैसे देख सकते हैं फिर हम अपने मोबाइल के फ़ोन के जो था यूट्यूब एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो देख सकते हैं इसी तरह से हमारा स्पीड दे रहा है और चल रहा है, और आपका 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो स्पीड नहीं दे रहा था, तो इस तरह से आपका चलने लगेगा। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।